IBN 9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवास के कलाकारों ने लता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देवास के शुरू प्रेमियों ने लता जी की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। देवास के सभी कलाकारों ने इकट्ठे होकर नीचे बैठकर लता जी को याद किया। वहीं नन्हे मुन्ने कलाकारों ने नम आंखों से लता जी को पुष्प चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभी कलाकार एकत्रित हुए एवं सभी ने लता जी को दिल से याद किया, नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। देवास से लता जी का बहुत पुराना नाता रहा है। लता जी कई बार देवास आई, लता जी को पुष्पांजलि देखते श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। बताइए आज श्रद्धांजलि दी गई क्या? 130 करोड़ भारतवासियों के दिल में राज करने वाली श्रद्धेय लता दीदी, उनसे हमारा गायन के साथ तो नाता है ही, साथ ही वो इंदौर में जन्मी पली बड़ी है। मैंने सुना कि देवास में भी कभी कभी वो यहाँ पर संगीत की शिक्षा लेने आती थी, इस नाते भी वो साथ ही जिनकी आवाज़ का आज तक कोई तोड़ नहीं मिला, ऐसे स्वर कोकिला लता दीदी आज हमारे बीच में नहीं है। माँ सरस्वती के दिवस वसंत दिवस के रोज उन्होंने उनको अपने पास बुलाया, एक स्वर सरस्वती की बेटी को सरस्वती की गोद में विश्राम मिला है और हम सब बहुत दुखी मन से आदरणीय लता दीदी को श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पूरी कलाकार परिषद के एक एक कार्यकर्ता सबका मन द्रवीड है, दुखी है कि आज दीदी हमारे बीच में नहीं है। जिनके गीत सुनकर, जिनके गीतों पर हमने भजनों की रचना करके आज इस मुकाम पर पहुँचे, ऐसी दीदी आज हमारे बीच में नहीं है। हम पूरी कलाकार परिषद की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। बताइए आज बैठ कर श्रद्धांजलि दी गई क्या है? आज हमारे भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संगीत को समर्पित करते हुए इस भारत राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हम लोग उन्हीं के गाए हुए गीतों को अपने जीवन में उतारते हुए उनके गीतों के साथ हम भी उन्हीं गीतों की प्रस्तुति देते हुए पूरे कलाकार जगत के लोग उन्हीं के नाम से, उन्हीं के गीतों से आज हमारा जो जीवन चल रहा है उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। आज पूरे कलाकार परिषद द्वारा देवास के उनको श्रद्धांजलि समर्पित की गई। क्या नाम है आपका? मैं गौतम गढ़ोइया, कलाकार परिषद जिला अध्यक्ष। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।